अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज छुट्टी है, मुझे संडे है। तो देखिए, आपको देखें, मौसम भी बड़ा अच्छा है, सूरज हल्का सा निकला हुआ है। तो ये है कि सर्दी थोड़ी कम है अब, पहले बड़ी सर्दी सुबह के टाइम बड़ी ज़्यादा थी और दिन भी पड़ी हुई थी, अब सर्दी कम हो गई है, मौसम अच्छा हो गया है। सूरज निकलने की वजह से जो सर्दी की शिद्दत थी उसमें कमी आ गई है सर्दी। तो दोस्तों, मैं आज आपको अपने जो है चूज़े मुर्गी, अच्छा तो दोस्तों अब मैं आपको अपने मुर्गी के चूज़े दिखाने लगा हूँ। सील चूज़े जो है माशाल्लाह से ये बड़े हो गए काफ़ी, तो इन्हें मैं अब दाना डालूँगा, निकाल लें भाई। ये बाहर की डाइट में देख लेगा, आ जाओ भाई, आ जाओ, खाओ खाओ। ये इनकी दोपहर की डाइट हो गई है, माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं काफ़ी। तो काफ़ी केयर करनी पड़ रही है क्योंकि सर्दी बहुत है, तो इसलिए इनकी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अच्छा तो दोस्तों, मैंने अब ये चूज़ों को डाइट दे दी है इनकी, और अब मैं अपने शेड की तरफ जा रहा हूँ। शेड में आ तो अपने परिंदे भी दिखाता हूँ, बाकी के पैरट दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, अब मैं अपने शेड के अंदर जाने लगा हूँ। ये देखिए, ये अभी कवर ही किया हुआ है सारा, क्योंकि सर्दी बहुत है, मैं काफ़ी दिन से ये चिक उठा नहीं रहा, ऐसे ही है पड़ा हुआ। तो अब मैं अंदर जा रहा हूँ अपने शेड में, तो आपको अपने बाकी के जो परिंदे हैं वो दिखा रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, मैं अब अपने शेड के अंदर आ गया हूँ, तो आपको अपने परिंदे दिखा रहा हूँ। ये मेरे बाकी बर्ड हैं, और आज आपको अपना मैं टेन पैरेट भी दिखाऊंगा। मैं अपना टेन पैरेट ऊपर लेके आया था, तो वो काफ़ी तंग आ रहा था, एग्रेसिव हुआ था, काट रहा था, उसे मैंने शेड के अंदर छोड़ दिया था। अब इसे पकड़ने लगा, और देखिए कहाँ बैठ गया वो, देखिए वहाँ ऊपर चिपका हुआ है। अब ये देखिए, पता नहीं कैसे आता है नीचे। दोस्तों ये पीछे गिर गया है, ये केज के पीछे, अब इसे तलाश करते हैं कहाँ गया है। ये ऊपर ऊपर बैठा हुआ है दोस्तों, ये आ गया, ये बड़ा तंग कर रहा है, आज हाथ में नहीं बैठ रहा। अब देखते हैं ये बैठता है कि नहीं बैठता। ये बैठ गया मेरे हैंड पे, फिर से उड़ गया ये, आज काफ़ी तंग कर रहा है ये। ये आ जा। अच्छा दोस्तों, ये ऊपर ये बैठा हुआ है, मेरे पास भी नहीं आ जा रहा, काफ़ी तंग कर रहा है, पता नहीं आज इसे क्या हुआ है। असल में इसकी फीमेल जो है ना वो नीचे है, उसकी वजह से ये ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है आज। उसे मैंने साथ लेके आया, वो काटती है काफ़ी। दोस्तों ये आ गया मेरे पास, अब ये देखिए ये बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी ये डिस्टर्ब ही आज कर रहा है इसे। अब मैं सोच रहा हूँ नीचे छोड़ा दोस्तों। अब मैंने इसे पकड़ के ना पिंजरे में बंद कर दिया है, बड़ा तंग कर रहा था, अब इसे इसके आगे ये लगा देते हैं ताकि बाहर ना निकले, बाहर नहीं निकले। ठीक है, ये मेरे पैरट है, ये देखें, और ये जो नया पेयर था रिंगनेक का, वो नीचे है बंद किया हुआ, और बाकी के जो रा पैरट हैं वो ये हैं, इधर पड़े हुए हैं। ये देखें। अच्छा तो दोस्तों, अब मैं इन्हें बंद करने लगा हूँ। क्योंकि यहाँ पे ये खुले नहीं रह सकते, बिल्ली आती है तो ये उठा के ले जाएगी बिल्ली ने। अब ये मैंने बंद कर दिए, अब ये हो गए बंद। अच्छा तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, मेरे चैनल मुगल बर्ड्स एवरी को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।